चौधरी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग हैं अभी वडोदरा जंक्शन पे। तो चलिए स्टेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आप लोग वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए कि कौन से ट्रेन की जर्नी होने वाली है। तो चलिए स्टेशन के बारे में दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि सारे वीडियोस कैसे लगते हैं, और इस वीडियो को भी पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर करना। तो गाइज हम लोग थे अभी वडोदरा जंक्शन के बारे में बताने वाले थे आपको। तो गाइज इस रेलवे स्टेशन का कोड है BRC, मतलब बड़ौदा सिटी जंक्शन, और इससे पहले इसी के नाम से जाना जाता था, अभी इसको कर दिया गया है वडोदरा जंक्शन। और गाइज इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो ये गुजरात स्टेट का सेकेंड बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे कि डेली 339 ट्रेन्स हॉल्ट करती हैं, और यहाँ पे 20 ट्रेन्स ओरिजिनेट और 19 ट्रेन टर्मिनेट होती है। तो गाइज और इसके बारे में बात करें तो ये पड़ता है वेस्टर्न रेलवे जोन के वडोदरा डिवीज़न में, और इसे ओपन किया गया था 1861 में। और गाइज ये रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है, यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म हैं। और गाइज इस रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बात करूँ तो ये इससे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अहमदाबाद मुंबई मेन लाइन, न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन, अहमदाबाद चेन्नई मेन लाइन और अहमदाबाद हावड़ा मेन लाइन को कनेक्ट करता है। और अभी गाइस सुबह सुबह काफ़ी हो रहा है, तो चलिए थोड़ा मौसम भी ठंडा है और हम लोग की ट्रेन जर्नी होने वाली है, आप लोगों को पता है, डबल डेकर में। तो ट्रेन के आने पर उसका आप लोग को रिव्यू देते हैं और इसकी जानकारी देते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग की ट्रेन अराइव हो रही है, तो चलिए इसका थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। गाइस ये जो हमारी ट्रेन है अहमदाबाद मुंबई AC डबल डेकर सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, और गाइस में लोको लगा है WAP 7 वडोदरा का, और जो कि गाइस इसका नॉर्मल लोको लिंक है। और ये देखिए सकरने का अहमदाबाद मुंबई स्टिकर लगाया गया है, और गाइस इसका ट्रेन नंबर है 12932, और ये रोजाना 6 बजे अहमदाबाद से चलती है सुबह, और 12:55 में मुंबई सेंट्रल पहुंचाती है, जिसमें कि ये 6 घंटे 55 मिनट में 493 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करती है 71 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से, जिसमें कि इसके टोटल 9 हॉल्ट्स हैं। और इस ट्रेन को ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे, और गाइस इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया था 19 सितंबर 2012 में, और इसमें टोटल 13 कोच हैं, जिसमें से कि 11 AC डबल डेकर कोच और 2 जनरेटर कार हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं कोच की तरफ, और गाइस जो हम लोग का कोच है, हम लोग को स्टिकर वाला कोच मिला है ये। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें अपर डेक है और नीचे लोअर डेक है, और ये हमारा जो सीट है मिडिल डेक में है, और ये रहा वडोदरा रेलवे स्टेशन। गाइस काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, और हम लोग का टाइम हो चुका है डिपार्चर का, तो चलिए डिपार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी वडोदरा जंक्शन। हम लोग की ट्रेन खुल गई, गाइज हम लोग की ट्रेन यहाँ 4 मिनट लेट डिपार्ट हुई है, वो कवर हो जाएगी बाद में। और गाइज 2 तल्ले की ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, गाइज मज़ा आएगा। तो चल के बैठते हैं सीट पे और करते हैं एंजॉय। ये देखिए
इस ट्रेन ने रफ्तार पकड़ रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों हम लोग अगले हॉल्ट भारू जंक्शन आ चुके हैं, जिसका कि स्टेशन कोड है BH। और यहाँ पे गाइस 5 प्लेटफॉर्म हैं और हमारी ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट लेट आई है। और गाइस भारूच की बात करें तो वहाँ यहाँ पर 152 ट्रेन डेली हॉल्ट करती हैं, 6 ट्रेन ओरिजिनेट और 5 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और गाइस ये वेस्टर्न रेलवे जोन के वडोदरा डिवीज़न में पड़ता है। और गाइस हम लोग यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है, तो चलिए ट्रेन वैसे ही लेट है, चलते हैं नेक्स्ट हॉल्ट दिखाते हैं आपको सूरत। और गाइस देखिए ट्रेन कितनी खूबसूरत लग रही है। गाइस मुझे साइड मतलब ये लोअर वाला मिला होता कितना मज़ा आता, अभी तो अपर इधर मिडिल में मिला है, मज़ा नहीं आ रहा उतना। तो चलिए बट गेट के पास है। फाइनली सूरत आ चुके हैं और ये देखिए सामने आ रही है। मुंबई गांधीनगर कैपिटल शताब्दी एक्सप्रेस। और गाइस सूरत के बारे में बात करें तो इसका स्टेशन कोड है ST और ये पड़ता है वेस्टर्न रेलवे जोन के मुंबई डिवीजन में। और गाइस यहाँ पे रोजाना 320 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं, 24 ट्रेन ओरिजिनेट और 27 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। गाइज यहाँ पे हम लोग का टाइम था 9:12 पे, बस हमारी ट्रेन आई है 9:15 पे, 3 मिनट लेट। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन नवसारी पे। और ये सामने लगी है मुंबई गांधीनगर शताब्दी एक्सप्रेस। तो दोस्तों हम लोग फाइनली डिपार्ट कर रहे हैं सूरत और गाइस काफी अच्छे पोस्टर्स लगाए गए हैं शताब्दी पे। और ये विराम स्टार्ट हो,
दोस्तों हम लोग नौसारी अराइव कर रहे हैं अभी। दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं नौशारी, और गाइस नौशारी में हम लोग का सिर्फ एक मिनट का हॉल्ट और हम लोग की ट्रेन दो मिनट लेट आई है। और गाइस नौशारी का स्टेशन कोड है NVS और ये पड़ता है वेस्टर्न रेलवे जोन के मुंबई डिवीज़न में, और यहाँ पे 78 ट्रेन डेली हॉल्ट करते हैं। और यहाँ पे गाइस कोई ट्रेन ओरिजिनेट और कोई ट्रेन टर्मिनेट नहीं होती। और तो चलिए दिखाते हैं डिपार्चर। दोस्तों हम लोग नौसारी से निकल चुके हैं और इसके बाद हम लोग स्किप करेंगे बिलीमोरा जंक्शन। हम लोग अराइव कर रहे हैं वलसाड। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं वलसाड, जिसका की कोड है BL, और हम लोग 5 मिनट लेट आए हैं। और गाइस वलसाड की बात करें तो यहाँ 114 ट्रेनें डेली हॉल्ट करती हैं, 11 ट्रेन ओरिजिनेट और 11 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और गाइस वलसाड पड़ता है WR जोन के मुंबई डिवीज़न में। तो चलिए चलते हैं दिखाते हैं डिपार्चर। गाइस हम लोग फाइनली वलसाड डिपार्ट कर चुके हैं और ट्रेन भी अपनी रफ्तार पकड़ रही है धीरे धीरे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फाइनली वापी, और इसका स्टेशन कोड वापी ही है। और यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, और गाइस यहाँ पे 260 ट्रेन रोजाना हॉल्ट करती है, 1 ट्रेन ओरिजिनेट और 1 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और गाइस हम लोग का यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है बस। तो चलिए चलते हैं दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेशन और कुछ नज़ारे। और गाइस वापी वेस्टर्न रेलवे जोन के मुंबई डिवीज़न में पड़ता है। तो चले दिखाते हैं आपको इसका डिपार्चर। गाइस देखिए हमारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। विदाउट टिकट पकड़े जाने पे देखो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, और हम लोग की ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। तो चलते हैं। गाइस हम लोग की फाइनली ट्रेन डिपार्ट हो चुकी वापस से, और ये देखिए गुंडागर्दी।
क्या सुहाना मौसम है। दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं बोरीवली रेलवे स्टेशन, इस ट्रेन के आखिरी हॉल्ट, मतलब सेकंड लास्ट हॉल्ट, और इसके बाद हम लोग का फाइनल हॉल्ट होगा। तो गाइस बोरीवली की बात करें तो इसका स्टेशन कोड है BVI और यहाँ पे 164 ट्रेनें डेली हॉल्ट करती हैं और यहाँ पे 10 प्लेटफॉर्म्स हैं। और गाइस यहाँ एक ट्रेन ओरिजिनेट और दो ट्रेन टर्मिनेट होती है और ये WR जोन के मुंबई डिवीज़न में पड़ता है। और गाइस हम लोग का 3 मिनट का हॉल्ट और ट्रेन 20 मिनट ऑलरेडी लेट आई है।
तो 2-3 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से निकलेगी और अपने फाइनल हॉल्ट पहुँचेगी मुंबई सेंट्रल।
फाइनली अपने डेस्टिनेशन अराइव कर रहे हैं मुंबई सेंट्रल। चलिए गाइस, कोच का रिव्यू देते हैं। हम लोग मुंबई सेंट्रल आ चुके हैं, स्टार्टिंग में तो टाइम नहीं मिला तो अब दे देते हैं। ये रहा हमारा कोच और ये हमारा 66 नंबर साइड विंडो सीट था। और देखिए सीट चेयर कार है और इसमें 3 डेक होते हैं। एक ये हमारा जो है, ये जो नीचे हम लोग जा रहे हैं ये है अब हमारा लोअर डेक। देखिए काफ़ी कूल लग रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म से एकदम बगल में। और ये देखिए सारे सीट के नीचे, सारे सीट के ऊपर ये देखिए लगेज रखने के लिए स्पेस दिया गया है। और ये लंच वंच और ब्रेकफास्ट करने के लिए सीट है। और चार्जर सॉकेट दिया गया है हर सीट पे। और हमारा इधर चलिए दिखाते हैं, और ये रहा सीट मिडिल डेक का, बीच में इधर थोड़ा सा और बीच में उस साइड, मतलब दोनों साइड किनारे। और ये है हमारा रहा अपर डेक, अपर डेक में भी ऊपर दिया गया है लगेज रखने के लिए, मतलब सब कुछ सेम है। एक डेक नीचे है और एक डेक ऊपर, लोअर और अपर डेक। और दोनों गेट के बगल में मिडिल डेक है। तो गाइस कैसा लगा कोच आप लोग को देखकर बताना, और जर्नी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना गाइस आप लोग। और हम लोग मुंबई सेंट्रल आ चुके हैं, और ये देखिए कितना खूब लग रहा है। और ये हमारी ट्रेन। तो गाइस जर्नी को ही एंड करते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और गाइज आप लोग वीडियो देखा करो यार पूरा, और बताया करो और रिव्यू भी दिया करो। और आई होप आप लोग को जर्नी अच्छी लगी होगी। तो चलिए गाइज हम लोग फाइनली आ चुके हैं मुंबई सेंट्रल, और हम लोग की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है वडोदरा से मुंबई तक। और जर्नी करके काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। डबल डेकर में पहली जर्नी थी हमारी। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पर को पहले से देख रहे हैं वीडियो, पहले से आप देख रहे हैं हमारी चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं तो और शेयर करें और भाई को प्यार दें। और जर्नी में काफ़ी मज़ा आया गाइस, तो यही कहेंगे कि एकदम मज़ा आ गया। ये देखिए अहमदाबाद मुंबई डबल डेकर एक्सप्रेस। और चलिए तब चलते हैं, जर्नी को ही एंड करते हैं। और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, और आई होप जल्दी इस जर्नी के बाद न्यू जर्नी और आएगी। तो चलिए ऐसे ही प्यार देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।